रामगंज थाना पुलिस ने नाबालिग से दुराचार के मामले में फरार चल रहे आरोपी को उत्तर प्रदेश मेरठ से गिरफ्तार कर लिया है, जिसे आज न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजने के आदेश दिए गए हैं। मामला 13 सितंबर 2019 का है, जब दौराई की रहने वाले एक परिवार ने वहीं पर किराए पर रहने वाले अब्दुल मलिक पर नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामले की तफ्तीश करते हुए मुखबिर की सूचना से आरोपी को मेरठ से गिरफ्तार किया है, जिसे न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपी अब्दुल मलिक को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए हैं। दिनांक 13/9/2019 की घटना है। एक पॉक्सो और छेड़छाड़ का प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें आरोपी अब्दुल मलिक, जो मूलतः उत्तर प्रदेश गांव में बैठ जिला हापुड़ का रहने वाला है, उसके खिलाफ पंजीबद्ध हुआ था। प्रकरण पंजीबद्ध करके अनुसंधान किया गया। अनुसंधान से उसके खिलाफ आरोप प्रमाणित है। मुलजिम प्रकरण दर्ज होने के बाद फरार हो गया था, जिसको कल मेरठ से गिरफ्तार किया गया। आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया और न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।